स्टार्टिंग में तो लेपर्ड अपने को उल्का नगरी में दिखा था, जो पहला फुटेज था। उसके बाद 2 दिन कंटिन्यूस वहाँ पे फुटेज आते रहे और 17 तारीख को सवेरे जो प्रोजोन का फुटेज है हमें आया है, उसके बाद एक भी फुटेज आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिला नहीं है। बाकी जगह उसकी बहुत अफवाहें चल रही थी कि यहाँ मिला, सातारा में मिला, गौशाला में मिला, रामनगर में मिला, लेकिन वैसा नहीं है। ये देखो, ये सुपर प्रेडेटर है बिप्टा जो है, और बहुत धूर्त है, ये चालाक है बहुत। ये आदमी को, आदमी की छाव को भी रहता नहीं, ऐसा है। आपने जितने भी फुटेज देखे वो सब फुटेज में रात में 2 के बाद और 4:30 बजे तक ही ये बाहर निकला है खाना ढूंढने को या वगैरह। आपको तो मालूम है वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड था, वहाँ पे सुअर भी थे और कुत्ते भी बहुत थे। तो इसने एक भी कैजुअलिटी की नहीं है, किसको हमला नहीं किया, दिन में दिखा नहीं, सवेरे या लेट नाइट भी दिखा नहीं है। एकदम 2:30 के बाद ही बाहर पड़ा और 2 घंटे खाली। अब ये प्रोजोन के बाजू में 70% कंपनियां जो है औद्योगिक वसाहत में, वो सब बीमार पड़ी हुई है, बंद है अभी। उसमें जिसमें ताला रहता है, पूरे ताले लगाए हुए हैं कंपनियों को, और उसमें झाड़ी भी अच्छी है, यानी बहुत अच्छा श्रब्स भी है और बड़े बड़े पेड़ भी है अच्छी तरह से। तो इसमें वो छुपा था और 17 के बाद कोई फुटेज मिला नहीं। 17 के बाद ही वो पीछे आधा किलोमीटर बाद आपका समृद्धि मार्ग आ जाता है और पड़शी और वरुण नाम का जो ये गाँव, वो सारोला जंगल जो है हमारा वन खाते का प्रादेशिक फॉरेस्ट जो है, उसके पीछे का भाग आता है। तो वहाँ से वो चला गया, उसके बाद एक भी फुटेज अपने लिए आया नहीं है। फॉरेस्ट ने पिंजरे लगाए, ट्रैप कैमरे लगाए, लेकिन कहीं पे भी उसकी हलचल दिख रही नहीं। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के जो ये है कैमरेज, वो भी सब जगह चालू है, उन्होंने चेक किए हो, आपत्ति व्यवस्थापन कार्यरत है, लेकिन अभी बिप्टा आने की शंका कुछ भी नहीं। जो भी है वो रूमर्स है, अफवाहें है। तो अपने जो नागरिक है वो निश्चिंत रह सकते हैं अभी इसके बारे में कि अभी बिप्टा आएंगा नहीं, ये बात सच है।